बड़वानी जिले में नर्मदा का जल स्तर इन दिनों लगातार बढ़ रहा है और इन बढ़ते जल स्तर के कारण डूब में आने वाला गांव जांगरवा इन दिनों टापुओं में तब्दील हो चुका है। सरकार डूब प्रभावितों को बसाने की भले ही बात करती हो, लेकिन यहां के हालात देख लगता ही नहीं कि सब कुछ ठीक है। ग्राम जांगरवा में कई मकान टूट फूट कर नर्मदा में समाने की कगार पर हैं, लेकिन कई मकान ऐसे भी हैं जो पिछले वर्ष आई डूब में टूटे नहीं क्षतिग्रस्त थे। हालांकि पिछले वर्ष प्रशासन में गांव में डूब की संभावना के चलते ग्रामीणों को यहां से हटाकर सोंदुल स्थित टीन शेड में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन लोगों को प्लाट नहीं मिला, 5,80,000 का पैकेज नहीं मिला। मन मार कर लोग टीन शेड में रहने गए, लेकिन जल स्तर कम होने के बाद फिर वापस लौट आए इस उम्मीद से कि अब जल्द अपने प्रकरणों का निपटारा हो जाएगा। लेकिन पूरा साल बीत जाने के बाद भी वहीं टीन शेड में रह गया और उम्मीद के वापस गाँव आ गया। हालांकि हालत वही है, अब जो हिम्मत हार गए हैं वो वापस टीन शेड में लौट रहे हैं, लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके घरों के चारों तरफ पानी होने के बावजूद भी वे डटे हुए हैं। अब अगर उनका संपूर्ण पुनर्वास हो गया तो फिर ये हालात क्यों बने हैं। बड़वानी से अतुल कुमाऊत की रिपोर्ट। क्या नाम तुम्हारा? दिलीप, मकान से बिल्कुल पानी लग गया, फिर भी यहाँ रह रहे हो? हाँ सर, क्या करें, प्लाट भी नहीं दिए और 5-80 भी नहीं दिए, तो कहाँ बनाए मकान, इसलिए वापस यहीं है। फिर जाएंगे सर। फिर अब जैसे पानी बढ़ गया तब क्या करोगे? फिर सर टीन शेड में ही जाएंगे। टीन शेड में जाओगे, उतरने के बाद फिर वापस आ जाओगे? वापस आ जाएंगे। कोई आता अधिकारी मिलने? कोई नहीं आता सर, कोई नहीं, अभी तो कोई नहीं आया सर। मंसराम जी, घर के चारों तरफ पानी आ गया, फिर भी आप यहीं हो, डर नहीं लगता क्या? डर तो लगता है सर, क्या करें। फिर क्यों रुके हुए? अब कहाँ जाए? पैसे नहीं मिले आपको क्या? पैसे मिले? पैसे तो मिले, 7 लाख मिले, 5-80 प्लाट प्लाट मलाट मिल जाए तो मकान बनाए दे। प्लाट नहीं मिला, 5-80 बचे, तो कब तक रुकोगे तुम्हें? जहाँ तक प्लाट नहीं मिलेगा वहाँ तक रुको नहीं पड़ेगा। धनु, 12 महीना हो गए। रहने वाली कहाँ की हो? जांगरवा। तो यहाँ पर क्यों रह रही हो आप? क्या करे सर, घर तो डूब गए। मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा नहीं मिला। प्लाट भी नहीं मिला? नहीं। क्या करती हो यहाँ पर तुम? कुछ नहीं, घर पे बैठे दुकान चलाते, क्या करे, मजदूर कौन बुलाए इतने दूर से हमको। बस यही कह रहे हो? हाँ। कौन कौन रहता तुम्हारे साथ? मेरा हस्बैंड और मेरी सास रहती। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।